तो और भाइयों, क्या हालचाल? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करने वाले हैं फिर से सुपर सस का गेम प्ले। और आज भाई देखते हैं, आज लॉर्ड के साथ खेलते हैं। बड़े दिन हो गए हैं मैंने लॉर्ड के साथ नहीं खेला है। चलो भाई लॉर्ड ले लेते हैं और देखते हैं लॉर्ड के साथ क्या सीन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं पहन के आ चुका हूँ एकदम नूब भले कपड़े, क्योंकि मैं हूँ नूब। ठीक है, समझ गया। चलो अब जल्दी से चलते हैं। गेम में अच्छे खासे रोल आए हुए हैं। हिप्नोटिस्ट आया हुआ है, ग्लुटोनी भी आया हुआ है, मतलब कि सारे मारने काटने वाले रोल आए हुए हैं। तो मेरे को थोड़ा सीरियस होके खेलना पड़ेगा। और अपना जो सेफ बंदे हैं मैं उनको नाइट बना लूँगा। मेरे को पता है किस बंदे को नाइट बनाना है। ब्राउन अपना सस्पिशियस था, ठीक है, लेकिन ऑरेंज अपना सेफ बंदा है। ऑरेंज और पर्पल, पर्पल भी यहाँ पे घूम रहा है, तो पर्पल अपना एकदम ही सेफ है। पर्पल को मैंने यहाँ पे अपना नाइट बना दिया है। वाइट यहाँ पे आया, वाइट पे भी वाइट भी, वाइट का मूवमेंट भी कुछ ऐसा नहीं था जिससे भाई उसको नाइट बनाया जा सके। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? वाइट भी कुछ था। और ऑरेंज जो है वो सिक्योर मतलब कैमरा से आया हुआ है। आई थिंक ऑरेंज का अच्छा खासा रोल है। मे बी ऑरेंज अपना वाइट जैक हो, अगर गेम में वाइट जैक आया है तो। जल्दी से ऑरेंज को भी हम जहाँ पे अपना नाइट बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज को भी अपना नाइट बना दिया है और पिंक भी अपना हमारे साथ ही है, तो देखते हैं क्या सीन होता है। अब मैं और मेरे नाइट एक साथ चलेंगे। अगर आप भी गेम में लॉर्ड बनते हैं तो अपने नाइट्स के साथ रहा करो, ताकि आपको पता चल सके कि आपके नाइट्स को कौन मारने की कोशिश कर रहा है। तो जल्दी से चलते हैं। ऑरेंज अपना भाग के जंपी लगा के गया और बॉडी रिपोर्ट कर दिया है ऑरेंज ने। देखते हैं अपना ऑरेंज जो है वो क्या बोलने वाला है, मीटिंग में क्या बोलने वाला है, देखते हैं। दो बंदे मर चुके हैं, देखो रेड पर्पल और फिर पिंक, हम तीनों तो एक ही साथ थे। तो बचे हैं वाइट, ग्रीन, येलो और ब्राउन। ये सारे लोग कहाँ थे? रेड तो तुम्हारा सेफ ही है, ये सारे लोग कहाँ थे बताओ जल्दी से। सब लोग अपना लोकेशन बताओ। ये सब लोग तो सही थे, शांति की बड़ी करीब ही पड़ी है। ब्राउन ग्रीन है ना? ठीक है, ब्राउन ग्रीन है। अब तुम लोग बताओ येलो ग्रीन। अभी सुनो, तुम साथ में थी तो पक्का तुम में से एक तो हिप्नोटिस बना ही होगा। तुम कह रहे हो कितने जन साथ में थे ये बोलो, फिर से बोलो। ऑरेंज तुम कितने जन साथ में थी ये बोलो, कितने जन तुम साथ में थी? उसने पक्का हिप्नोटिस ने अपना मिनी तो बुलाया होगा। अब देख तू, अब देख तू, अब दे, अब तू गया बेटा, अब तू गया। मजा आया। तो येलो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे रहा था, जिसकी वजह से येलो पे सबने वोट्स डाल दिए। लेकिन स्वैपर जो था उसने येलो को बचा लिया। लेकिन येलो ज़्यादा टाइम तक नहीं बचने वाला है। अगली मीटिंग में सारे बंदे येलो को ही वोट आउट करके निकलवाने वाले हैं, क्योंकि येलो ने पंगा लिया है। हिप्नोटिस्ट, इम्पोस्टर और स्पेस क्रू सबके साथ पंगा ले लिया है येलो ने। तो येलो यहाँ पे वोट आउट ज़रूर होने वाला है और देखते हैं क्या सीन होने वाला है। तो देखते हैं, अभी मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ मीटिंग बिठाने के लिए, ताकि मैं मीटिंग बैठा पाऊँ। बाकी बंदे फिक्स करने गए हैं बाकी के मेरे नाइट। जो यहाँ पे मेरा पर्पल जो नाइट है उसने ही मीटिंग बिठा दिया। अब देखते हैं एक एक करके हम लोग सबको निकलवा देंगे। तो यहाँ पे येलो जो बचा था उसको भी हमने वोट आउट करके निकलवा दिया है। तो पूरा गेम हमारे हाथ में आ चुका है, मेरे ऑरेंज और पर्पल के हाथ में। तो हम इजीली इस मैच को जीत जाएंगे अगली मीटिंग बिठाने के लिए। इम्पोस्टर ने सब डेस भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी दे दिया है। तो सारे बंदे फिक्स करने गए हैं और पर्पल का भी आई थिंक मीटिंग ख़त्म हो गया होगा। तो मैं अकेला मीटिंग बिठाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि मेरा चिमिक जो है वो मीटिंग बटन नहीं है, इसलिए मेरे को मीटिंग यहाँ से ही बिठानी पड़ेगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से सब डेस फिक्स हो जाए, और जैसे ही सब डेस फिक्स होगा मैं मीटिंग बिठा दूंगा। तो सब डेस फिक्स हो गया है और ग्रीन ने ही मीटिंग बिठा दिया है। ग्रीन अपना इम्पोस्टर है, यह तो भाई 100% कंफर्म है। ब्राउन रेड पर्पल ऑरेंज, ब्राउन रेड पर्पल ऑरेंज, पर्पल इज वेरी सस, वोट ग्रीन। हाँ भाई पर्पल तेरा रोल क्या है बोल दे, तू है क्या इम्पोस्टर अपना? पर्पल को निकाल, निकल ले भाई तू। चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। मैंने यहाँ पे अपने नाइट्स को बोला था ब्राउन ग्रीन चाहे ब्राउन पे वोट मत डालना, लेकिन मेरे नाइट्स जो थे उन्होंने पता नहीं क्यों ब्राउन पर वोट डाला है। कहीं मेरे नाइट्स ने भाई, नाइट पता नहीं नाइट के दिमाग में मेरे में क्या ही चल रहा है। दोनों नाइट ने स्किप मार दिया, जबकि उनको पता था ग्रीन अपना इम्पोस्टर है। पता नहीं क्या सीन चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये मेरे दोनों नाइट भाई। तो मैं तो जल्दी से जाके रिएक्टर फिक्स करता हूँ। इधर वाला ये फिक्स करने जा रहे हैं और इधर वाला मैं फिक्स कर देता हूँ। इधर मैं अकेला ही फिक्स करने आऊँगा
और उधर वो अपना खुद का फिक्स कर देंगे, देखते क्या होता है। लगा ही था ये सर, ग्रीन बीजे लगा ही था, ग्रीन बीजे तो यहाँ पे ग्रीन अपना बीजे नहीं था, जिसकी वजह से ग्रीन ने उसको शेरिफ को अच्छी खासी सुना दी और मैं तो हंस ही रहा था ये सुनने के बाद। तो मैं यहाँ पे टाइम मास्टर बन चुका हूँ अगले मैच में और देखते हैं टाइम मास्टर के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं और यहाँ पे मैं फिक्स करने जा रहा हूँ रिएक्टर, क्योंकि रिएक्टर का मतलब टास्क करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिएक्टर स्टार्ट वाला टास्क कर दिया, मेरा एबिलिटी चार्ज हो चुका और रिएक्टर में मेरे को 2 से 3 टास्क मिले हैं, यानी कि मैं बहुत बार टाइम रिवाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने एक बार टाइम रिवाइंड किया है, अब मैं एनर्जी ड्रिंक भी मारने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी मैं दूसरी बार भी रिएक्ट मतलब वो कर दूंगा, टाइम रिवाइंड कर दूंगा और रिएक्टर में बैठ के ही मैं पूरा मतलब टाइम का ये काम करने वाला हूँ। कोई बंदा तो रिवाइव होगा और ये क्या, टाइम असैसिन ने टाइम ही स्टॉप कर दिया, टाइम असैसिन ने जहाँ पे टाइम ही स्टॉप कर दिया है और जैसे ही टाइम रिवाइंड होता है, लोल मेरा एबिलिटी चार्ज नहीं है, मैं टाइम नहीं वो कर सकता रिवाइंड। तो मैं जल्दी से एनर्जी ड्रिंक मार लेता हूँ, अब मैं थोड़ा सा रुक के टाइम रिवाइंड करूंगा क्योंकि अभी अभी टाइम असैसिन ने किल किया है तो मेरे टाइम रिवाइंड करने का कोई भी वो नहीं सेंस नहीं बनता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और चलो भाई इस टाइम पर मैंने टाइम रिवाइंड कर दिया है, तो अभी तक भी किसी ने मीटिंग नहीं बिठाई, किसी ने सबोटेज नहीं फिक्स किया, लगता है सारे बंदे ग्लुटोनी के पेट में चले गए हैं। तो मैं अपना एक और टास्क जो है यहाँ पे रिएक्टर वाला वो कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ। चलो भाई ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, और ये क्या मीटिंग बिठा दी इसने। देखो भाई जो मारा सो मारा, मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुम्हारा ग्लुटोनी के पेट में था, पर्पल तुम्हारा ग्लुटोनी है, मैं तुम्हारा वाइट जैक हूँ, मैं पर्पल को गैस लेने वाला हूँ अब, ठीक है। पर्पल भाई, पर्पल का मैक्स है तुम्हें पता है ग्लुटोनी, ये वेंट में से कर ये वेंट करके आया, वेंट करके आया, फिर काम कर दिया इसने, खा गया मेरे को, आई वॉज विद ग्रीन, अरे वही ना, I just saw blue vented, but he's not. चलो मैं अभी पर्पल को गैस ले रहा हूँ ग्लूटोनी, ठीक है, बाकी तुम्हें जिसको करना है तो करो, चलो श्याम। अरे भाई तू पागल है क्या, ग्लूटोनी वेंट नहीं कर सकता, कितना झूठ बोल रहा है, ये फंस गया सी है। तो यहाँ पे व्हाइट जैक ने पर्पल का गेम बचा दिया है, पर्पल जो था वो पूरा मैक्स ग्लुटोनी लेकर आया हुआ था, लेकिन पर्पल का मैक्स ग्लुटोनी भी उसको वाइट जैक के हाथों से नहीं बचा पाया और गेम में 2 के 2 इम्पोस्टर आई थिंक जिंदा है अगर ग्लुटोनी ने इम्पोस्टर को ना खाया हो। तो जल्दी से चलते हैं, मैंने एक और टास्क पूरा कर लिया है, मैं टाइम रिवाइंड पे रिवाइंड करता रहूँगा ताकि इजिली स्पेस क्रू इम्पोस्टर को पकड़ पाए और हम लोग इस मैच को जीत पाए। तो यहाँ पे मेरा फिर से एबिलिटी चार्ज हो चुका है टाइम रिवाइंड करने का, और ये क्या टाइम असैसिन ने टाइम स्टॉप कर दिया। तो जैसे टाइम असैसिन मेरा टाइम मतलब वापस चलेगा तो मैं टाइम रिवाइंड कर दूंगा ताकि पता चल जाए किसी ने किल किया है कि नहीं। भाई क्लोज कॉल था भाई, चलो सब हो गए सेफ, मैं तुम्हारा वाइट जैक, रेड तुम्हारा क्या कहते हैं लॉर्ड, पिंक तुम्हारा टाइम मास्टर, बचा ऑरेंज और ब्लू। तो इसी के साथ व्हाइट जैक जो था वो अपना ज्यादा ही प्रो था, उसने यहाँ पे ऑरेंज को वैम्पायर गैस ले लिया है और इसी के साथ ये मैच खत्म हो गया है और हम लोग इस मैच को जीत चुके हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच में, तो नेक्स्ट मैच में मैं बन के आया हूँ डिटेक्टिव। वैसे तो डिटेक्टिव भाई मेरे को ऐसे ही मिल गया था क्योंकि और कोई अच्छा रोल आया ही नहीं था, तो मैं डिटेक्टिव ही लेकर आ चुका हूँ और ये बंदे मेरे को निकलवा देंगे जिस हिसाब के रोल्स आए हुए हैं। तो मेरे को जल्दी से जल्दी अपना बचाव करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा गेम बच जाएगा। तो एडमिन का स्वाइप कर लेते हैं, एडमिन का स्वाइप करने के बाद अब मैं बॉडी ढूंढने वाला हूँ, मेरा बचने का बस एक ही तरीका है, मैं जल्दी से बॉडी ढूंढ लूँ किसी की और एरो देख लूँ किस बंदे पर आ रहा है। तो जल्दी से चलते हैं, यहाँ पे वाइट के फुट पर आ रहे हैं, साइन जा रहा हूँ और चलो भाई मैं इलेक्ट्रिकल में पहुँच चुका हूँ। इलेक्ट्रिकल में
जो मार्क आ रहा था आई थिंक ब्लू या पर्पल का आ रहा है, तो देखते हैं मीटिंग में क्या सीन होने वाला है। अरे भाई मैं टास्क कर रहा था अभी अभी, देखा किसी ने इसको किल करके वो मिडवे वाला इलेक्ट्रिकल से मिडवे वाला जो वेंट है वहां से चला गया भाई। बेटर किल। अरे क्या बेटर किल बोला ना, वेंट करके चला गया। ओके भाई सयान डॉक्टर हो, जब बॉडी मिले तो मैं तुम्हारे पास आकर वो थम्स अप वाला दिखा दूंगा, तो आकर तुम ये वो कर लेना ठीक है। अरे रुको जरा, सबर करो। अरे भाई ये व्हाइट के किल करके आ गया था भाई, व्हाइट ने किल किया था उसने ही किल। ग्रीन भाई गेम खत्म हो गया है, आप क्या बोल रहे? हाँ भाई देख ले, आप देख ले कौन है, देख मैं डॉक्टर हूँ या क्या हूँ, देख ले भाई। भाई वाइट किल कर गया था यार, भाई वाइट किल कर गया था भाई, भाई भाई वाइट किल कर गया था भाई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी खतरनाक वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।